गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आने वाला आगामी एग्जाम के लिए आप लोग के लिए बहुत लाभदायक होगी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता का नया नाम है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसकी खोज किया था दयाराम साहनी द्वारा। ये कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसका जो काल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो रहा था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस टाइम का जो समकालीन सभ्यता था, सिंधु सभ्यता का समकालीन सभ्यता, वो था मिस्र का सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिस्र मिस्र के देवता को क्या बोला था, सूर्य या रो के नाम से भी जाना जाता है। अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग पूजा करते थे, वो किसके पूजा करते थे, तो कौन से देवता का, तो अर्ध शिव का पूजा करते थे और मातृशक्ति, दो चीज का पूजा करते थे यहाँ पे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले अगर कुछ उगाया गया था तो वो कपास का उत्पादन किया गया था, ठीक है। और ये कैसा युग था, ये युग था कासिन युग। यहाँ के लोग जो थे वो लोहा से प्रचलित नहीं थे, ठीक है। और ये सभ्यता जो था वो कैसा सभ्यता था, तो नगरीय सभ्यता था। और यहाँ के जो घर बनाया जाता था वो ईंट से बनाया जाता था। और यहाँ पे जो जल प्रणाली थी, पेड़ पौधे या और कहीं पटवन उटवन करने के लिए, वो सबसे पहले जो उन्नत जल प्रणाली के नाम से जाना जाता था, वो कहाँ मिला था, धौलावीरा में मिला था। और अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत में पहला शहर के रूप में खोजा गया था, ठीक है। जिसका आकार कैसा था, तो जिसका आकार था त्रिभुजाकार, त्रिभुज की तरह। यहाँ के लोग जो थे वो क्या व्यवसाय के रूप में कौन सा काम करते थे, व्यापार का काम करते थे। और यहाँ पे होता था क्या, जो मिट्टी का जो बर्तन होता था उसका रंग कैसा होता था, रेड कलर का होता था, यानी लाल कलर का रंग होता था, ठीक है। और सबसे पहला अगर साज्य मिला था कहीं पे जोता हुआ खेत का सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो मिला था कालीबंगा में। और कालीबंगा अभी कहाँ पे है, तो राजस्थान में प्रेजेंट में, ठीक है। और फिर इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का जो वर्ग बांटा गया था, वो बांटा गया था आपको विद्वान में, योद्धा में, व्यापारी में और श्रमिक में, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन स्थल रहा था वो कहाँ पे था आपका, तो वो है आपका पतन स्थल लोथल में, ठीक है। और लोथल में ही क्या पाए गए थे, यहाँ पे नाप तौल की फर्स्ट प्रणाली पाई गई थी, कि यहाँ पे नाप तौल हुई थी, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। और साथ ही एक बार और मैं एक अपने तरीका से समझाता हूँ, अगर आप खुद से लिख करके समझना चाहते हैं तो लिखिए डायरेक्ट हड़प्पा सभ्यता। इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किया था, इसका जो खोज है वो किया था दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। साहनी कब किए थे, तो 1921 ईस्वी में, ठीक है। ये कैसा सभ्यता था, तो नगरीय सभ्यता था। कैसा सभ्यता था, नगरीय या बोल सकते हैं शहरी। यहाँ का जो घर बना रहता था वो किससे बना रहता था, ईंट का बना रहता था। यहाँ के लोग पहला खेती किया था, वो जो खेती करता था वो क्या चीज का खेती करता था, कपास का, ठीक है। यहाँ जुता हुआ खेत का जो साज्य मिला है वो कहाँ पे मिला है आप लोग को, जुता हुआ खेत का मिला है साज्य कालीबंगा में, कालीबंगा में। ये कहाँ पे है, अभी राजस्थान में है, राजस्थान में प्रजेंट है। यहाँ पे कौन सा देवता का पूजा किया जाता था, तो अर्ध शिव का पूजा किया जाता था, अर्ध शिव का, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते थे इसका जो समकालीन सभ्यता था, सभ्यता वो है मिस्र। उस टाइम का इसके जो समकालीन सभ्यता था वो था चीन, ठीक है। लिख डालिए यहाँ पे, चीन लिखिए, मेसोपोटामिया लिखिए, ठीक है। और एक और था ये मिस्र का सभ्यता, ठीक है। इसके बाद अगर और कुछ जानना चाहते हैं, यहाँ का जो व्यापार लोग करता था वो क्या था, व्यवसाय था, क्या था, व्यवसाय लिख सकते हैं। और यहाँ जो बर्तन जो यूज करता था पहले के जमाने में, वो मिट्टी का बर्तन होता था। और मिट्टी का बर्तन का रंग कैसा होता था, रेड होता था, यानी लाल रंग होता था, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो भारत का पहला शहर खोजा गया था, और वो कब खोजा गया था, तो 1921 ईस्वी में, किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। और ये पूरा हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था, ट्रायंगल की तरह, यानी त्रिभुजाकार था, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या था कि उस टाइम लोहा से लोग प्रचलित नहीं था, कि लोहा क्या चीज होता है, इसके प्रचलित नहीं था। यहाँ प्रचलित था कांस्य युग, इसको बोला जाता था, कौन सा युग बोला जाता था, कांस्य युग। थैंक यू दोस्त।